गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अवर सिक्स चैप्टर ऑफ ग्रामर, समास। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं तो इस प्रतिक्रिया को समास कहा जाता है। उदाहरण, राजा का महल राजमहल, रसोई के लिए घर रसोई घर, तीन रंगों का समूह तिरंगा। समास एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। समास के भेद, समास के छह भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास, द्विगु समास, द्विंद्व समास, बहुव्रीही समास। अव्ययी भाव समास, जिस समस पद का पहला पद प्रधान हो तथा समस पद अव्यय की तरह कार्य करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण, यथासंभव जैसा संभव हो, भर पेट पेट भर कर। तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच आने वाली विभक्तियों परसर्गों का लोप हो जाता है, जैसे परलोक गमन परलोक को गमन, गगनचुंबी गगन को छूने वाला, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त। कर्मधारय समास, जिन समस्त पदों का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता हो वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। उदाहरण, पीताम्बर पीला है जो अंबर, नीलकमल नीला है जो कमल, महाराजा महान है जो राजा। द्विगु समास, जिन समस्त पदों का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है, जैसे नवरत्न नौ रत्नों का समूह, तिराहा तीन राहों का समाहार। द्विंद्व समास, जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर बीच में और तथा एवं या अथवा लगता हो वे द्विंद समास कहलाते हैं। उदाहरण, रात दिन रात और दिन, माता पिता माता और पिता। बहुव्रीही समास, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करे उसे बहुव्रीही समास कहते हैं। उदाहरण, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, दशानंद दस है आनंद जिसके। धन्यवाद।